हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। डियर डायरी, द माइंड इज लाइक वाटर। व्हेन इट्स टर्बुलेंट इट्स डिफिकल्ट टू सी, व्हेन इट्स काम एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। एज प्रॉमिस्ड इन आवर अर्लियर वीडियो, वी आर हियर विद इस्कॉन टेंपल ब्लॉग। वी रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्किप द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड फॉर मोर डिटेल्स एंड फन। आज मैं और दीदी जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल, जो कि है नयापली भुवनेश्वर में। तो चलिए आप हमारे साथ। ये हमारा फर्स्ट विजिट है इस्कॉन भुवनेश्वर में, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस। आज का वेदर भी काफी अच्छा है, तो काफी अच्छा लगने वाला है आज हमें यहाँ पर जाने के लिए। हम एक्चुअली सुबह 10:30 बजे निकल गए थे। हम थोड़ा लेट निकले बिकॉज हमें वहाँ से प्रसाद भी लेके आना था, तो हमने सोचा कि ये टाइम में निकलना बेटर होगा। वी आर फाइनली हियर एंड एक्साइटेड ऑल्सो, सो हमारे साथ चलिए अंदर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरे मेन रोड के साइड में ही है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जब भी इस प्लेस को हम क्रॉस करते थे, हम सोचते थे कि कभी ना कभी आएंगे विजिट करने के लिए, बट आज वो दिन आ ही गया है। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा को लेके भी यहाँ पर आए विजिट करने के लिए, बिकॉज मम्मी पापा को ना इस तरह की प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पहले मैं आपको बाहर से थोड़ा दिखा देती हूँ किस तरह से ये टेम्पल है। वैसे ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। साइड में ये जो लोटस का डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपको एक बार मैं पूरा थोड़ा घुमा के कैमरा दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह का ये प्लेस आसपास कैसे दिखता है। आप कोई भी ट्रांसपोर्ट से इजीली यहाँ पर आ सकते हैं बिकॉज ये मेन रोड पे ही है। आप पॉज करके ये डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए। स्लीपर्स वगैरह बाहर रख के अभी हम जा रहे हैं अंदर। हमने इस प्लेस की कुछ पिक्चर्स भी ली है, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज में जाके चेक कर सकते हैं। सब कुछ कितना अच्छा एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर सब कुछ। हम तो सुबह आए थे तो फाउंटेन वगैरह यहाँ पर अभी ऑन नहीं थे, मे बी वो शाम के तरफ चलता है, तो अभी तो हम शाम को कभी आए नहीं है, तो कभी हम आएंगे तो वो भी हम आपको कभी दिखाएंगे। आप सब में से कितनों ने इस प्लेस को कितनी बार विजिट किया है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अभी फाइनली हम अंदर जा रहे हैं। इस डोर को देखिए, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी आई कैची है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे यहाँ पर अंदर में मेंशन था कि वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी मना है, बट हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत करने के लिए। जब हमने देखा कि और भी बहुत लोग कर रहे थे एंड किसी ने कुछ मना नहीं किया, तभी हमने कुछ क्लिप दूर से रिकॉर्ड किया है। भगवान की जहाँ पर मेन मूर्ति है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में दो प्लेस है, उधर से आप अगर जाएंगे तो आपको इस तरह का व्यू वहाँ पर दिखेगा। वैसे अंदर काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। हम जब अंदर आए, तब से ही यहाँ पर काफ़ी टाइम से पूजा चल रही थी। आपको मेन टेंपल के अंदर भी ना कुछ शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ से आप सुवीनियर या फिर गीता, कुछ बुक्स या फिर कुछ पूजा का सामान, मिठाइयाँ, ये सब आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। आप जब यहाँ आएंगे देन यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें लेके जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पसंद आएंगी काफ़ी। हमने यहाँ से दो गीता भी ली है। एक्चुअली हमें ये गिफ्ट करना था, तो ओडिया वाली जो गीता है उसका प्राइस है ₹330, हिंदी वाली जो गीता है ना उसका प्राइस था ₹270। गीता खरीदने के बाद हमें फिर याद आया कि मम्मी के लिए हमें कुछ लेना है, तो हम ये लेने के लिए गए एंड इसका प्राइस था ₹30। बिलिंग वगैरह कराने के बाद हम भी यहाँ पर कुछ टाइम बैठे थे, बिकॉज प्रसाद मिलने में अभी भी काफ़ी टाइम था, बिकॉज वो 12 बजे से ही स्टार्ट होता है जितना मुझे पता है। हम काफ़ी टाइम अंदर बैठे थे एंड काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो हम अभी बाहर जाते हैं एंड देखते हैं बाहर और क्या क्या है। हमें ये जो लोटस वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, जो टेंपल, वो भी हमें विजिट करना था, बट इसका डोर ना क्लोज हो चुका था, तो हम विजिट नहीं कर पाए।
ये देखिए फिर से वेदर खराब हो गई। मुझे लगता है जब भी मैं नयापली आती हूँ वेदर खराब होना तो मस्ट है ही है। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं देन डू सपोर्ट अस। ये वेदर ना हमारे साथ हाइड एंड सीक ही खेल रहा है मुझे जैसे लग रहा है। अभी देखिए काफ़ी तेज धूप हो गई है एंड मेरी बहन को देखिए फिर से पेंगुइन जैसे जा रही है। हमने बाद में देखा कि पास में शूज स्टैंड भी है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी अपने शूज स्लीपर्स वगैरह रख सकते हैं। द व्यू ऑफ दिस टेम्पल इन दिस वेदर इज टोटली ब्रेथ टेकिंग। ये टेम्पल तो मिडिल में है एंड इसके राइट एंड लेफ्ट तरफ दो प्लेसेस हैं तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में। अभी चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आई होप हमने इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स शेयर की है आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर आपको फिर भी कुछ डिटेल्स जानना है या हमसे कुछ डिटेल्स शेयर करना है देन डू लेट अस नो इन द कमेंट। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर यूजली ब्रेकफास्ट के काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप सुबह आते हैं ब्रेकफास्ट किए बिना तो यहाँ पर आपको वो भी अच्छे से मिल जाएगा। टेम्पल के चारों तरफ काफ़ी प्लांट्स वगैरह हैं तो काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी। वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपको जो भी चीज़ें लेनी है आपको उनका नेम याद करके जाना पड़ेगा कैश काउंटर के तरफ एंड देन वहाँ पर आपकी बिलिंग होगी। आज तो भीड़ नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हमें, बट आई थिंक जब भीड़ होगी तो थोड़ी दिक्कत तो आने ही वाली है। यहाँ पर ये जो स्नैक्स एंड जूस का जो प्लेस है ना, तो यहाँ पर ये आफ्टरनून में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि 5:30 PM अराउंड ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। हमने यहाँ पर बस समोसा और दही वड़ा ही खाया है एंड कुछ स्नैक्स हमने घर के लिए पैक कराया है एंड आई थिंक सब कुछ मिला के हमने 145 आसपास हमने ऐसे पे किया था। घर जाने के बाद मैं बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अंदर में यहाँ पर बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है तो आप आराम से बैठ के भी खा सकते हैं, बट भीड़ होने से थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। स्नैक्स एंड जूस सेंटर के साइड से ही हमें ये अन्न प्रसाद वाला जो प्लेस है हमें वो दिखा, बट वहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अभी अन्न प्रसाद मिलता नहीं है, वो अलग डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम मंदिर के लेफ्ट तरफ वाली गली से जाते हैं एंड चेक करते हैं वहाँ पर किस तरफ अन्न प्रसाद मिलता है। चलते चलते हमें ये प्रसाद भंडार जो लिखा है हमें वो जगह मिल गई है एंड चलिए अंदर जाके देखते हैं। वैसे ये प्लेस ना अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो आपको प्रसाद नहीं मिलता है, इसके साइड से ही आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। वैसे ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है लेकिन आई थिंक जब ये कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। तो हम अभी फाइनली पहुंच गए हैं जहां पर आपको अन्न प्रसाद मिलेगा एंड हमने हमारे लिए पार्सल ही कराया था यहां से। आप चाहे तो यहां पर बैठ के खा सकते हैं बट हमने सोचा कि घर जाके आराम से ही हम खाएंगे। फाइनली अभी हम घर के लिए निकल पड़े हैं एंड घर जाके मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या प्रसाद में लिया है। ओडिशा में आप कोई भी टेम्पल चले जाइए, वहाँ पर आपको जो अन्न प्रसाद मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस होता है एंड खाने के बाद तो काफ़ी शांति मिलती है। घर पे भी जब हमें कभी खाना बनाने का मन ना हो तो पापा लेके आते हैं मंदिर से एंड हम वो खा के हमारा लंच करते हैं। घर जाते जाते मैं आपको CRP में थोड़ा चारों तरफ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे फूड प्लेसेस के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन्हें भी कवर करें देन डू लेट अस नो। जाते जाते हमें मिशन शक्ति बाजार भी हमें यहाँ पर दिख गया एंड इस प्लेस को भी हमें कवर करना है जल्दी ही। सो लेट अस नो कि आपको यहाँ पर क्या जानना है या फिर अगर आपने विजिट किया है तो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। घर पहुँचने के बाद हमने सारी चीज़ों को अलग अलग प्लेट्स एंड बोल्स में निकाल लिया है एंड चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। हमने जो पार्सल कराया था उसका प्राइस था ₹170 एंड एक्स्ट्रा ₹60 देके हमने पनीर वहाँ से लिया है। आप चाहे तो खीर भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हमने सोचा था कि हमें लेना चाहिए बट हमें पता नहीं था कि किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, बट अगर हम लेते तो शायद अच्छा होता। प्रसाद में आपको मिल जाएगा राइस, दाल, मैंगो चटनी, मिक्स वेज, परवल आलू की सब्जी एंड खीर एंड एक्स्ट्रा हमने लिया था पनीर। सब कुछ काफ़ी अच्छा था एंड क्वांटिटी तो इतनी ज़्यादा थी कि हमारा डिनर भी हो गया एंड राइस फिर भी हमारा थोड़ा बच गया था। डिनर में तो हमारा सब कुछ रह गया था, बस खीर हमारा लंच में ख़त्म हो गया था।
खीर जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगा, एक्स्ट्रा लेते तो काफ़ी अच्छा होता, दैट वॉज परफेक्ट फॉर अस। तो आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you for watching our video. Don't forget to hit that like button if you enjoyed our adventure. If you're seeking inner peace, a visit to ISKCON might just be the answer. Don't forget to like, share, comment and subscribe for more soulful travels and share your own spiritual escapades with us. Wishing you all abundant blessings on your journey.